दिल्ली से सटे गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक स्कॉर्पियो कार राजीव चौक अंडरपास के पास डिवाइडर से टकरा कर पलट गई और फिर दूसरी तरफ चली गई और इस दौरान कार ने दूसरी तरफ एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। कार में 3 युवक और 2 युवतियां सवार थीं। ये सभी लोग कार में बर्थडे पार्टी का जश्न मना रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक कार की रफ्तार बहुत तेज थी। जैसे ही कार राजीव चौक अंडरपास पर पहुंची, उस वक्त ड्राइवर का काबू कार से पर नहीं रहा और कार पहले तो डिवाइडर से टकराई, फिर सड़क के दूसरी तरफ जाकर पलट गई। कार की चपेट में एक बाइक सवार आ गया। 5 लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक शख्स की मौत हो गई है, बाकी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस जाँच कर रही है। जाँच के बाद ही ये बात सामने आएगी कि क्या जो कार को ड्राइव कर रहा था वो शराब के नशे में था